इवोलोक्यूमैब नाम की एक ड्रग है जिसका इंजेक्शन आता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। समझेंगे इसके बारे में, ये क्यों दिया जाता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां और इसका डोज, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए इवोलोक्यूमैब की, तो क्या होता है दोस्तों, कई बार हम जब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, और एक वीडियो बनाया था मैंने कि भाई स्टेटिन ड्रग्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं दुनिया में, तो एटोरवास्टेटिन, रोजोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन दुनिया की दवाइयाँ हैं और ये चलती हैं आजकल। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब किसी पेशेंट के शरीर से कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है स्टेटिन देने के बाद भी, तब इसको दिया जाता है। तो एक प्रकार से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक ड्रग है जो कि बहुत कम यूज़ की जाती है। कम यूज़ की जाती मतलब कि आपको डेली नहीं लेना, ठीक है, आपको महीने में एक या दो इंजेक्शन इसके लेना रहते हैं और महीने भर ये आपके लिए कोलेस्ट्रॉल से बचा के रखती है, कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देती है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपके शरीर में वो टूट जाता है। तो ये सिंपल सा इसका फंडा है। एक्चुअल में दोस्तों इवोलोक्यूमैब मार्केट में एक ब्रांड है जो कि एक ही चलता ज़्यादा था, रेपेटा नाम का एक ब्रांड है दोस्तों, वो बहुत महंगा है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई उनको भविष्य में हार्ट डिजीज़ हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट में स्ट्रोक हो सकता है या कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, तो वो चिंतित तो रहते ही हैं क्योंकि उनके फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए कार्डियक बीमारियां, दिल से जुड़ी समस्याएं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने से रोकने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। सो खैर बहुत ही एक इफ़ेक्टिव इंजेक्शन है दोस्तों इवोलोक्यूमैब। और अगर बात किया इवोलोक्यूमैब की ये ड्रग है क्या, तो देखो ये ड्रग कोई लैब में नहीं बनती है, ये टोटल तरीके से ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ह्यूमन के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं, मतलब कि इंसान के शरीर से ही निकाला जाता है इनको, इनको बनाया नहीं जाता। तो ये खास बात है कि ये पूरी तरह से इंसान से लिया जाता है इनको और फिर इंजेक्शन बनाया जाता है। और अगर बात की जाए बायोबिलिटी की, तो देखो 72% की इसकी बायोबिलिटी होती है और हाफ लाइफ इसकी 11 से लेकर 17 दिन तक होती है। तो आप समझ सकते हैं एक इंजेक्शन लगवा के आप जो है महीने भर भी ना लगवाएं दूसरा इंजेक्शन, तो ये काम करता रहेगा, ठीक। तो यूज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई दिल से जुड़ी समस्याओं से बचाने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर बात की जाए काम कैसे कर रहा है, तो देखो ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार पीसीएसके 9 इनहिबिटर ड्रग एक प्रकार से, और काम इस तरह से करता है कि देखो आपके शरीर में जब आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो आपका शरीर भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है, आधा कोलेस्ट्रॉल तो आपका शरीर बनाता है, लिवर में बनता है और कुछ मात्रा में आप बाहर से लेते हैं। तो कैसा भी कोलेस्ट्रॉल हो डाइट पर तो आपको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। इसका काम यह है दोस्तों इवोलोक्यूमैब का कि ये तोड़ देता है कोलेस्ट्रॉल को। एक्चुअल दोस्तों ये जो इवोलोक्यूमैब है दोस्तों PCSK9 से अटैच होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल का रिसेप्टर होता है, और फिर यहाँ से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का रिसेप्टर की सरफेस से जाके ये क्या करता है कोलेस्ट्रॉल को तोड़ना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने लगता है और ये पूरे पूरे महीने भर तक काम करता है। 40 मिलीग्राम प्रति ml या 420 मिलीग्राम प्रति 3.5 ml में इसका इंजेक्शन अवेलेबल है। और लगाने का तरीका सिंपल सा है दोस्तों, ये प्रीफिल्ड सिरिंज आता है, ये पूरा भरा भरा या सिरिंज आता है, बहुत ज़्यादा VIP लग्जरी पैकिंग आती है और बहुत महंगा भी पड़ता है, तो इसको जस्ट निकाल के लगाना रहता है। हाथों को अच्छे साफ करो, हैंड वॉश करो और सैनिटाइज़र वगैरह लगा के स्किन को साफ करके बस इसको सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस लगाया जा सकता है और एक दिन में मैक्सिमम आप 420 मिलीग्राम तक लगा सकते हैं। और 140 मिलीग्राम की आप जो है 3 इंजेक्शन लगा सकते हैं और जिनके बीच में लगभग 2 घंटे का गैप होना ज़रूरी है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा भी नहीं होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सावधानियों की बात की जाए तो देखो सावधानी यही है कि अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर इस ड्रग से कभी लगवाया था प्रॉब्लम हुई, तो अब बताओ डॉक्टर को कि भाई इस तरह का इंजेक्शन मैं नहीं लगवा सकता, ठीक है, तो बताना ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो महिला बच्चे को दूध पिलाती हैं या गर्भवती हैं, तो डॉक्टर की सलाह से ही लें इस तरह का इंजेक्शन,
और अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से लें और ज़्यादातर चांसेस में लग ही जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो स्टेटिन ड्रग्स HM जो कोएंजाइम ए के रिडक्टेज होते हैं उस तरह से काम नहीं कर रहा है ये, फिर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो साइड इफेक्ट इसमें यह है कि भाई आंखों में सूजन आ जाना, नोज़िया, थोड़ा सिर चकरा देना या थकावट और कमजोरी सी महसूस होना, ये इसके साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 140 मिलीग्राम प्रति ml का एक इंजेक्शन सबक्यूटेनियस आप लगा सकते हैं, बॉडी में कहीं पे भी जहाँ पे अच्छा, पेट में भी लगा सकते हैं, जांग में भी लगा सकते हैं, सबक्यूटेनियस लगना है और वो काम करता है। आई होप आप इवोलक्यूमैब के बारे में समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इसी तरह के और वीडियो देखना है तो ठीक है, और लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, यहाँ हम आपको देते हैं दोस्तों मेडिकल क्लिनिकल टिप्स, हेल्थ केयर और कुछ दवाइयों बीमारियों की जानकारी जो कि आप ही काम आएंगे। तो डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।